भारतीय रेलवे अपनी विकास योजनाओं के जरिए देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे द्वारा गत वर्ष फास्ट ट्रैक पर रिकॉर्ड नई लाइन डबलिंग तथा गेज परिवर्तन का काम पूरा किया गया तथा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत गुजरात और मध्य प्रदेश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में 480 करोड़ रुपए की लागत से छोटा उदयपुर मोटी सादली अलीराजपुर के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किया गया है। 48.55 किलोमीटर का ये खंड 157 किलोमीटर लंबे छोटा उदयपुर धार नई लाइन का हिस्सा है। इस खंड में 15 बड़े तथा 75 छोटे पुलों, 5 सड़क ऊपरी पुलों और 31 सबवे का निर्माण किया गया है। इस खंड को 90 किलोमीटर प्रति घंटे पैसेंजर ट्रेन परिचालन के लिए सर्टिफाइड कर लिया गया है। मोटी सादली गांव छोटे उदयपुर के जनजातीय बेल्ट से जुड़ा हुआ है, जिसकी अपनी एक आदिवासी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। वहीं अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर ट्रेडिंग का सेंटर रहा है तथा नूरजहां नामक आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। छोटा उदयपुर क्षेत्र में डोलोमाइट, फ्लोराइट, ग्रेनाइट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस नई रेल लाइन से इनके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। छोटा उदयपुर धार परियोजना के पूरा होने से मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी बहुल तथा कृषि प्रधान क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी, क्योंकि ये क्षेत्र मुंबई, वडोदरा, इंदौर और भोपाल जैसे शहरों से जुड़ जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर इंदौर से वडोदरा के लिए एक नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। साथ ही मोटी सादली और अलीराजपुर के आदिवासी क्षेत्रों को मुंबई दिल्ली रूट से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस संपूर्ण परियोजना को 2021-22 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ये आदिवासी बहुल और आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र विकास की यात्रा का भागीदार हो जाएगा।